हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे। मैं आकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो चल रहा था वो अर्थमेटिक था, ठीक है। उस पर हमारा जो टॉपिक था परसेंटेज, हम उस पर अपनी 5 वीडियो लगभग बना चुके हैं और उसमें 9 टाइप हो चुके हैं। अगला जो टाइप है हमारा मिसलेनियस का है, ठीक है। और अपने टाइप को देखते हैं हम क्या है उसमें, क्या होगा। मिसलेनियस क्वेश्चन जो होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी उसमें जो है एक हर एक तरह के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे जिनको हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जो यानी टाइप से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है। कह रहा है क्या कि एक छात्र है, उसे किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या करा, किसी भी कारण उसने क्या करा, 3/5 से गुणा कर दी, तो कुछ ना कुछ बदलाव हुआ उसमें, कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। तो त्रुटि ज्ञात करनी है क्या है, मैं देखता हूँ क्या कि भाई 5/3 से उसको गुणा करना था, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो हम संख्या देख लेते हैं क्या क्या होगी वो जिसमें गुणा कर दिया। तो भाई ये क्या है, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया, 15। तो मैं कह सकता हूँ क्या, 3×5 = 15 यानी 25, और 5 से गुणा करेंगे इसमें 15 से, 5×3 = 15 यानी 9। यानी मैं कह सकता हूँ वो संख्या 25 थी, कितनी होगी, 9 होगी, घटने के बाद कितनी रहेगी, 9 रहेगी। भाई 25 थी, कितनी रहेगी, 9 रहेगी, यानी कितना कम हुआ, 16। किस पे, 25 पे कम हो गया, तो कितना, 25 × 100 कितना हो गया, 25 × 100 यानी 64, 16 × 64। तो कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई, 64% की उसमें क्या हुई, त्रुटि हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है क्या कि एक जनसंख्या थी किसी शहर की, वो 8000 थी और उसमें पुरुषों की 10% बढ़ गई, महिलाओं की 8% बढ़ गई, तो टोटल जनसंख्या इस क्रम में क्या हुआ, 9% बढ़ गई। अगर टोटल उसने एवरेज लगाया तो कितनी बढ़ी, 9% बढ़ गई। जो क्वेश्चन क्या है हमारा, एलिगेशन रूल से होगा, किससे होगा, एलिगेशन रूल से होगा। आपका जो एक चैप्टर आएगा मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर जो चैप्टर आएगा उसमें आपका एलिगेशन कराया जाएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं एलिगेशन होता क्या है। तो देखते हैं क्या कि भाई पुरुष ये है मेरे पास और ये है महिलाएं, ठीक है, ये पुरुष है मेरे पास, ये महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या बढ़ी 10%, कितनी, 10%, महिलाओं की संख्या बढ़ी मेरे पास कितनी, 8%, और टोटल जो बढ़ी उसको हम बीच में रख लेते हैं यहाँ पे, टोटल बढ़ी मेरे पास कितनी, 9%, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाया तो कितना, 1, और इसमें से इसको घटाया तो कितना, 1, यानी पुरुषों की संख्या 1 थी, स्त्रियों की भी संख्या कितनी थी, 1 थी, तो टोटल कितना है, 1 और 1 = 2, यानी 2 की वैल्यू कितना होगी, 8000, तो 1 की वैल्यू कितना, 4000, यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी, 4000 थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है, यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या की x प्रतिशत हो जाती है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई वो कह रहा है क्या कि तो एक जो विद्यालय है उसमें क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 150 है, और वो कह रहा है क्या, यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों तथा लड़कियों यानी कुल की x प्रतिशत है, ठीक है, तो पूछा है लड़कों की संख्या क्या है। भाई टोटल कितनी है देख लेते हैं, टोटल है हमारे पास 150 विद्यार्थी है, और इसमें से क्या रहा है वो x क्या है, बॉयज, यानी बॉयज कितने हैं, x है, और जो गर्ल्स है वे कितनी है, टोटल यानी कि 150 का कितना, 150 का कितना है वो x प्रतिशत है, 150 का कितना है x प्रतिशत, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी ये x, सॉरी ये कितना हो गया, 3×2, इस 2 को मैं इधर ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 2x और 3x लिख सकता हूँ मैं, यानी कि लड़के कितने, 2x, लड़कियाँ कितनी, 3x होगी, x से x खत्म कर दो तो कितना हो गया, टोटल हो गया मेरे पास 5,
यानी कि दो लड़के और तीन लड़कियां, यानी पांच विद्यार्थी। पांच विद्यार्थी किसके बराबर हो गया? 150 के बराबर। पांच बराबर कितना? 150। एक बराबर कितना हो गया? 5 × 15 = 30। एक की वैल्यू कितना हो गया? 30। वो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, यानी बॉयज की संख्या पूछ रहा है। तो बॉयज की संख्या कितनी होगी? 2 की वैल्यू चाहिए मुझे, 2 × तो इधर भी 2 × कर दो, कितना हो गया? 60। यानी बॉयज कितने थे उसमें? 60 बॉयज थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 1/7 / 1/2 से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये के टेलीविजन बिक्री कर रहित के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी? कह रहा क्या है, यानी 19,000 का जो टेलीविजन था ना, उस पर जो बिक्री कर रहा है वो 7.5% से बढ़ा के कितना? 8% कर दिया जाता है, तो अतिरिक्त राशि कितनी देनी होगी? देखिए 19,000 था, 19,000 पे पहले तो दे रहा था वो 7.5%, लेकिन अभी कितनी दे रहा है? वो 8%। तो कितना परसेंट बढ़ाया? 0.5% बढ़ा दिया, यानी 0.5% बढ़ा दिया। 1/2 कह सकता हूँ मैं, 1/2% बढ़ा दिया, यानी 1/2 कितना हो गया? 200। 2 0 से 2 0 खत्म, 190 कितना? 95। यानी 95 रुपये उसे अतिरिक्त देने होंगे। कितनी राशि अतिरिक्त देनी होगी उसे? 95 रुपये अतिरिक्त देनी होगी। ठीक है ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2/2/3% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितने रुपये है? कह रहा है क्या कि एक जो मासिक वेतन है किसी का, मासिक वेतन, उसको क्या कर रहा है? 2/2/3% से बढ़ा दे रहा है। जो बढ़ा देने के बाद उसको क्या हो रहा है? क्या कि 72 रुपये अधिक प्राप्त होने लगते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। मैं मान लेता हूँ किसी के जो आय थी वो कितनी थी? 100 रुपये थी भाई। किसी की आय 100 रुपये थी। अब इस 100 रुपये पे क्या हो रहा है कि इतने परसेंट बढ़ा दे रहा है। कितना परसेंट? 2/2/3% वो बढ़ा दे रहा है। ठीक है, 2/2/3% बढ़ा दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितना होगी मेरे पास? 3 × 6 = 8। 8/3 कितनी है? 8/3, यानी 8/3% बढ़ा दे रहा है। इतनी बढ़ा दे रहा है, कितने रुपये प्राप्त हो रहे हैं उसको अधिक? 72 रुपये। क्या मैं कह सकता हूँ अगर 8/3% बढ़ा रहा है तो 72 रुपये उसे बढ़ाने होंगे, तो 8/3 की वैल्यू कितना? 72 होगी। 8 × 72 = 1 = कितना हो गया? 27। 1 की वैल्यू कितना होगी भाई? 27 होगी। 8 × 72 और 3 को इधर लेंगे तो 27 हो गया, 1 की वैल्यू 27। वो पूछ रहा है मासिक वेतन कितना होगा, तो मासिक वेतन कितना था? 100 था। 2 0 यहाँ चिपकाओ, 2 0 यहाँ चिपकाओ, यानी कितना? 100 की वैल्यू कितना होगी? 2700। उसकी मासिक आय कितना था? 2700 रुपये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? यदि 16 व्यक्ति की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी है? वो कह रहा है कि 16 व्यक्तियों की जो आय है वो कितनी है हमारी? 80,800 रुपये है। ठीक है, और उनमें से एक व्यक्ति की आय जो है वो क्या है? औसत आय का 120% है। तो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले औसत आय क्या है भाई। 16 व्यक्तियों की आय तो ये है मेरे पास 80,800, तो अगर मैं इसको 16 से भाग कर दूँ तो कितना होगा? 16 × 5 = 80। 0 लगाया, 16 × 5 = 80, ये हो गया, यानी कि 5050। 5050 क्या होगी उसकी? औसत आय होगी 16 आदमियों की। ठीक है, और वो कह रहा है जो एक व्यक्ति है उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है। 120 का मतलब क्या होगा? 6/5 भाई। 120 का मतलब क्या है? 6/5 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 से इसको काटते हैं, कितना? 1010, यानी कितना हो गया? कितना? 06106, यानी कितना हो गया? 6060 रुपये उसकी आय होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62.2% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं क्या हमारी जो पोल की ऊंचाई थी वो कितनी थी? पोल की जो हाइट थी वो कितनी थी? 192 थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर मुझे देखना हो फ्रैक्शन, यानी 62.5 को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ?
62 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कितना, 5/8, कितना लिख सकते हैं 5/8 लिख सकते हैं। और 12.5 को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। 12.5 को मैं 1/8 लिख सकते हैं। तो वो पूछा है कि दूसरे घंटे में, यानी इस 1/8 में जो दूरी चढ़ी गई वो कितनी थी, वो देखनी है मुझे। भाई देखो, सबसे पहले जो चढ़ी गई दूरी कितनी है मेरी, वो है कितना, 5/8 है। अब वो कह रहा है जो शेष दूरी बच रही है अगले घंटे में, शेष दूरी का 1/8 चढ़ दिया जाता है। कितना, शेष दूरी का 1/8 चढ़ दिया जाता है। तो भाई 5 तो चढ़ दी उसने 8 में से, कितनी बची, 3 बची। तो 3/8 उसे चढ़नी होगी, कितनी चढ़नी होगी, 3/8 चढ़नी होगी। अब वो इस 3/8 का कितना अगले घंटे चढ़ता है, 1/8, इस 3/8 का कितना चढ़ता है, 1/8 चढ़ता है। तो इसको काट देंगे कितना होगा, 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 32, ये कितना हो गया, 8 × 3 = 24, यानी 3 × 3 = 9, यानी 9 मीटर। कितना, 9 मीटर। वो दूसरे घंटे में कितनी दूरी चढ़ेगा, 9 मीटर की दूरी चढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल कर की दर क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई। मान लेते हैं जो आय है उसकी कितनी है, 100 रुपये है, और 100 रुपये पे वो आयकर कितना भुगतान करता है, 30%, और 100 का 30% कितना हो गया, 30 रुपये, यानी 30 रुपये तो वो आयकर देता है। और कह रहा है कि इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार भी देना पड़ता है, तो इसका 10% देना पड़ेगा, यानी कितना, 3 रुपये देना पड़ेगा उसे अधिभार। तो टोटल कितने रुपए उसे दर देना पड़ेगा, यानी कुल कितने रुपए कर के रूप में देना पड़ेगा उसे, यानी 33 रुपये। और 100 पे 33 रुपये कितना है, 33%, यानी कितना प्रतिशत देना पड़ेगा उसे, 33% या देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के हैं, तो उसने कुल कितने रनों, कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है भाई। 110 रन थे, ठीक है, 110 रन में 3 चौके और 8 छक्के हैं, तो 3 चौके 8 छक्कों में कितने रन हो गए टोटल, ये हो गए हमारे 4 × 12 और 8 × 6 = 48 प्लस का 48, यानी टोटल कितना हो गया, 60 रन। 60 रन तो उन्होंने वैसे ही बना दिए, तो जो उसने दौड़ के बनाए हुए कितने हो गए, 110 में से 60 गए, यानी 50 रन। 50 रन उन्होंने क्या करा, दौड़ के बनाए, 50 रन दौड़ के बनाए टोटल में से, कितने में से, 110 में से। तो कितना हो गया, 500/11 और 11 × 44 कितना बच गया, 6/60 11 × 55, यानी 5/11, तो 45 सही, 5/11% रन उन्होंने क्या करा, दौड़ कर बनाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। यदि किसी भिन्न का अंश, भिन्न का अंश यानी एक्सेप्ट 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर यानी डिनोमिनेटर 5% घटा दिया जाए, तो भिन्न भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है। देखते हैं हम क्या है भाई, मेरे पास क्या हो रहा है क्या कि एक्सेप्ट को तो उसने क्या कर दिया, यानी कि अंश को तो उसने 20% से बढ़ा दिया, और जो डिनोमिनेटर है यानी उसका जो हर है वो 5% से घटा दे रहा है। तो जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है हमारी भिन्न आ जाती है, वो आ जाती है 5/2 आ जाती है। जरा मेरे पास उसमें क्या हुआ कि भाई लास्ट वाली भिन्न आ गई मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद। जब मेरे पास ये है, मैं क्या करता था भाई, एक बार हम समझ लेते हैं पहले इसको क्या है कि भाई अगर मैंने 100 है मेरे पास, 100 है और उसको 20% से बढ़ा दिया, तो मैं कर सकता हूँ उसको क्या, 120/100 ये है। लेकिन अगर वो कह दे रहा है कि कोई चीज़ 20% से बढ़ के 120 होगी, तो मुझे पहले ही अगर ले जानी हो, जो मुझे ले जानी है कि पहले बताना है इसका क्या होगा, तो मैं कर सकता हूँ क्या कि ये 100 थी पहले, अब 120 होगी, तो 100/120 कर सकते हैं, 20 से 20 कट गया, कितना बचा 100, यानी कि उल्टा कर देंगे उसको, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे उसको। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे भाई, 5 जो है हमारी जो अंश है एक्सेप्ट है वो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूँ
कि अब 120 हो गया, वो कितना हो गया 120 हो गया, और था कितना 100 चाहिए मुझे, क्योंकि 100 ही था वो, ठीक है। और जो हर है उसका, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना 5% से घट जाता है, यानी वो 95 है, कितना है 95 है, वो चाहिए मुझे कितना 100 चाहिए मुझे, बस काट देते ये 100 से, ये 100 खत्म हो गया, ये 5 से कटेगा कितना, 5 × 2 = 10, 5 × 20, ये कट गया कितनी बार, 19 बार कट गया, तो यानी कितना हो गया ये मेरे पास, ये हो गया 5/24 और 2/19, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 19×95/48, यानी जो भिन्न थी मेरी वो कितनी थी, 95/48 थी, ठीक है। ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। करते रहिए इन सारे क्वेश्चन में, कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेके आते रहेंगे, अभी परसेंटेज की ऐसे ही मिसलेनियस की कई वीडियो मिलेंगी, ठीक है। आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कल मिलते हैं आपसे।